हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी के पार्ट्स आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उन सारे पार्ट्स के मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, दीज आर द प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है या एक टेक्निक है जिसमें कि बहुत सारे प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उनसे इंफॉर्मेशन मिल सके, उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिल जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो इस टैक्सोनॉमिकल एड में यही होता है कि बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब इससे क्या होता है कि इससे एक हेल्प मिल जाता है आइडेंटिफिकेशन करने में या नेमिंग करने में या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने में भी, या आप ये भी बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, सैंपल्स मतलब स्पेसिमेन हो गए आपके, उनको प्रिजर्व किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, जिसे रिसर्च करने में आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत सारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने में एक हेल्प मिल जाता है। तो हम एक एक करके जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हर्बेरियम। सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम क्या होता है? एक स्टोर हाउस की तरह होता है, जैसे कि एक लाइब्रेरी की तरह आप मान सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बुक्स लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, उसी तरीके से हर्बेरियम भी एक स्टोर हाउस है जहाँ पर कि बहुत सारे प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद उन प्लांट्स को सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उन्हें प्रेस किया जाता है और प्रेस करने के बाद उन्हें एक शीट पर प्रिजर्व किया जाता है। तो ये तो तरीका है हर्बेरियम को कलेक्ट करने के बाद किस तरीके से रखा जाएगा, और जो जिस शीट पे उनको कलेक्ट करके रखा गया है जिस प्लांट को, उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ लेबल किया हुआ रहता है, और उस लेबलिंग में क्या क्या होना चाहिए कि डेट होना चाहिए, उसके बाद किस डेट को वो प्लांट लिया गया है वो डेट होना चाहिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन होना चाहिए कि किस जगह से उस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, उसके बाद उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है या लोकल नेम क्या है, किस फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है, और कलेक्टर्स नेम में मतलब कि किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें उस स्पेसिमेन के साथ साइड में लेबल किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हर्बेरियम की बात हो गई, इसमें सिर्फ जो प्लांट्स हैं जो कि लिविंग फॉर्म में नहीं है उनको सुखा के रखा जाता है, अरेंज करके रखा जाता है उनको अकॉर्डिंग टू फैमिली। उसके बाद इनसे क्या होता है कि आराम से स्टडी करने में हेल्प मिल जाता है, उन प्लांट्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने में एक तरह से हेल्प मिल जाता है हर्बेरियम से। तो ये तो हो गया सबसे पहला हमारा टैक्सोनॉमिकल एड। उसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, तो नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन, जैसे कि हमने देखा था हर्बेरियम में जो प्लांट्स स्पेसिमेन रखे गए थे वो सुखा के रखा गया था, वो लिविंग नहीं, वो जिंदा नहीं थे, वो प्लांट्स सूखे हुए या बोल सकते हैं कि एज ड्राई थे वो। तो उसके बाद अब अगर बोटैनिकल गार्डन की बात करें तो बोटैनिकल गार्डन में भी क्या होता है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज रहते हैं। इसमें सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं बोटैनिकल गार्डन में वो लिविंग रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, और या फिर उनको वहाँ पे ग्रो करवाया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके या एज अ रेफरेंस स्टडी के लिए हेल्प मिल जाए। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं बोटैनिकल गार्डन में, वहाँ पे उनके या तो बार्क के ऊपर उनके जो तना होता है उसके ऊपर या उसके साइड में उनके बारे में भी कुछ लेबल किया हुआ रहता है, और वहाँ पर उनका बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा होता है, उसका लोकल नेम क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें भी उस प्लांट के साथ लेबल रहता है। तो इससे भी वही हेल्प मिल जाता है उन प्लांट के बारे में नॉलेज लेने में या स्टडी करने में। इसके साथ साथ ही आपको कुछ फेमस बोटैनिकल गार्डन्स के नाम भी याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला है
इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है, दूसरा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ये इंग्लैंड में है, और तीसरा आपको याद रखना है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। तो यहाँ पे हमने जो हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन दोनों की बात की, इनसे आपको अगर एडवांटेज पूछा जाए तो यही है कि इनके बारे में स्टडी करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है, रिसर्च करने में काफ़ी हेल्प मिल जाता है, ये सारी चीज़ें इनकी एडवांटेज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्सोनॉमिकल एड की तो वो है आपका म्यूज़ियम। म्यूज़ियम की बात करते हैं तो काफ़ी बार म्यूज़ियम हम लोग ऐसे देखने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो एक तरीके से नॉलेज होगा हमें कि म्यूज़ियम में क्या क्या रहता है। तो म्यूज़ियम में भी क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखा जाता है स्टडी करने के लिए या फिर रेफरेंस के लिए। तो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेन को रखा जाता है म्यूज़ियम में। अब इनको रखने का भी तरीका है कि कैसे रखा जाएगा, तो स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है कंटेनर्स में या जार्स में, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल के। और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा डाला जाता है? फॉर्मेलिन डाला जाता है। इसीलिए डाला जाता है कि ताकि जो स्पेसिमेन रखा गया है वो ख़राब ना हो जाए, उनको बहुत टाइम तक रखने के लिए, सही रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल के उनको रखा जाता है कंटेनर्स या जार्स में। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ड्राई करके रखा जाता है, कुछ प्लांट्स को एज ए ड्राई फॉर्म में रखा जाता है, कुछ एनिमल्स को भी ड्राई करके रखा जाता है एज ए स्पेसिमेन म्यूज़ियम में। अब अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स को कैसे रखेंगे म्यूज़ियम में? इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है कि इंसेक्ट्स तो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए इंसेक्ट बॉक्सेस बने होते हैं, उन इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स बॉक्स में रखा जाता है। सबसे पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करने के बाद उनको किल कर दिया जाता है, और किल करने के बाद उनको पिन करके उन बॉक्सेस में रखा जाता है। तो ये इंसेक्ट्स को रखने का तरीका हो गया। और अगर बात करें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स की, जैसे कि बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, तो ये यूजुअली उनको क्या किया जाता है कि उनको स्टफ़ करके फिर प्रिजर्व किया जाता है। तो स्टफ़ करने का मतलब क्या हो गया कि जो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर के ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है उनके, उसके बाद उनके अंदर ऐसे स्टफिंग स्टफ़ किया कर दिया जाता है जिससे कि वो सड़े ना, वो ख़राब ना हो, बहुत टाइम तक उनको प्रिजर्व करने के लिए स्टफ़ करके रखा जाता है। म्यूज़ियम में कई बार स्केलेटन्स जो होते हैं एनिमल्स के वो भी देखने को मिलता है, जैसे कि कई बार हमने आपने भी देखा होगा म्यूज़ियम में कुछ स्केलेटन्स या कुछ बोन्स देखने को मिलता है एनिमल्स के, तो एज ए स्केलेटन फॉर्म में भी एनिमल्स को रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जी जो कि म्यूज़ियम में रखा जाता है, और ये भी वही एडवांटेज के लिए है कि इनके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिल जाता है, उनके जो स्केलेटन्स हैं उनसे पता चल जाता है कि वो कितने पुराने टाइम के हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक तरह से नॉलेज मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम के नाम आपको याद रख लेने हैं कि कभी अगर एग्ज़ाम्पल पूछता है तो आप लिख सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्पल आप याद कर लीजिए, जैसे कि अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो गया जो न्यूयॉर्क USA में है, नेक्स्ट हो गया आपका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो गया जो दिल्ली इंडिया में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम मुंबई में है इंडिया में, और नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम हो गया लंदन में। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम्पल याद कर लीजिए म्यूज़ियम का। नेक्स्ट अगर टैक्सोनॉमिकल एड की बात करें तो वो हो गया आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर, मतलब कि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग होते हैं और वो उन एनिमल्स की, जो वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको उनके खाने के अकॉर्डिंग क्या खाते हैं उस हिसाब से उनको खाना दिया जाता है वहाँ पे, तो उन एनिमल्स की देखभाल करने के लिए ह्यूमन बीइंग रहते हैं वहाँ पे। जितने भी एनिमल्स जूलॉजिकल पार्क में या ज़ू में, जूलॉजिकल पार्क को ज़ू भी बोला जाता है, जो भी एनिमल्स ज़ू में रहते हैं उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि वैसा ही कंडीशन, वैसा ही उनको इन्वायरमेंट दिया जाए कि जिस इन्वायरमेंट या जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं वैसे ही नेचुरल हैबिटेट उनको देने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया कि जूलॉजिकल पार्क से क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स को भी लाके यहाँ पे रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, यहाँ पे लाके उनको ब्रीडिंग करवा के उनकी नंबर इंक्रीज़ करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे इनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, और यहाँ पे हम कई बार अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी जाते हैं घूमने के लिए तो उनको भी एक तरह से एक नॉलेज और स्टडी हो मिल जा करने को मिलता है कि
कौन सा एनिमल किस हैबिटेट में रहता है, या उनकी जो फीडिंग है वो किस क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक तरह से नॉलेज मिलता है। तो ये तो जूलॉजिकल पार्क हो गया। यहाँ पे याद रखना है कि प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर, और इन एनिमल्स को वैसा ही इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है जिस नेचुरल हैबिटेट में ये रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ जूलॉजिकल पार्क के नाम आपको याद कर लेने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं कि अगर कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में है, फिर नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद में है, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क ये पुणे में है। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं जूलॉजिकल पार्क के जो आपको याद रखना है, और एलीपुर जूलॉजिकल पार्क जो कि कोलकाता में है। तो आप कोई भी एक दो जूलॉजिकल पार्क के नाम याद कर लीजिए कि कभी एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम्पल पूछता है तो आपको बताना होगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो होता है कम्प्लीट। उम्मीद है आपको सारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इस चैप्टर का आगे के टॉपिक जो बचे हैं वो लेके आऊँगी।